अब बेटा आ, हम यहाँ पे आर सी एम चैप्टर के क्वेश्चन या डिस्कस करेंगे आई रिपीट आर सी एम चैप्टर के क्वेश्चन या डिस्कशन करेंगे उसकी पी डी एफ जो है मैंने डाला हुआ है यहाँ तो आ, मतलब पी डी एफ कॉपी डाली है, पर जिसको क्वेश्चन मिल गया होगा ओके नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया है ओके यहाँ पे आ, तो मजा आएगा आर सी एम पर मजा आएगा तो यहाँ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चलिए क्वेश्चन या डिस्कशन का चैप्टर थ्री यहां हम स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो क्वेश्चन एयर डिस्कशन में थोड़ा मैं आपको ये समझा दू यहां इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टोटल मैंने सेवनटीन क्वेश्चन लिए हैं सारे आईसीए मटेरियल के क्वेश्चन आरटीपी के क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं ठीक है और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं जो जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ कवर करूंगा ऐसा नहीं कि मैं सारे ही डिस्कस करूंगा जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है अच्छे हैं वो यहाँ हम डिस्कशन में लेंगे चलो ठीक है नो डाउट आपको सारा प्रैक्टिस मतलब आर टी पी आई सी ए आई मेटेरियल एग्जाम के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पे रिविजन के साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे डन चले नाउ क्वेश्चन है वॉट डज रिवर्स चार्ज मीन एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्सेस अंडर जी एस टी लॉ क्वेश्चन बहुत सिंपल है अभी तक कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया तो यहाँ पे ध्यान दो रिवर चार्ज आने क्या और कौन टैक्स लेगा एज पर जीएसटी लॉ रिवर चार्ज का मीनिंग आप जब ये ये लिख के देखने की जरूरत नहीं पर जस्ट जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते, तो करते वक्त ये क्वेश्चन लिया गया है रीजन ये बेटा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कहता हूँ कि आपने एग्जाम के दो महीने पहले सिर्फ मेरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है क्योंकि थार का डिजाइन ही वैसा है बेसिक से मैंने कवर किए हैं तो देखो रिवर्स चार्ज मतलब आपको लिखना क्या है रिवर्स चार्ज जहां लाइबिलिटी रिसिपियन पे आती है ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस लाइबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर एक लाइन में रिवर्स चार्ज मींस द रिसिपियन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस लाइबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्सेस

रिवर चार्ज सिर्फ इंट्रा पे नहीं लगता है दोनों पे लगता है दोनों पे लगता है समझ लो लॉयर महाराष्ट्र का है बिजनेस एंटिटी दिल्ली की है तो रिवर चार्ज में आईजीएसटी देना पड़ेगा दोनों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यस यस द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिवर चार्ज आर अपलीकेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई अंडर फाइव थ्री फाइव फोर ऑफ आई जीएसटी एक्ट सेक्शन नहीं भी आया है आपने सिर्फ इतना लिखा कि अंडर आई जी एस टी एक्ट भी अपलीकेबल होता है रिवर चार्ज दूसरा इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल्सो और इट इज ऑनली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मुझे बताओ रिवर्स चार्ज सिर्फ सर्विस को अपलीकेबल है कि गुड्स को भी है गुड्स और सर्विस दोनों नोटिफाइड है जैसे कैश्यू कैश नीडी रैपर लूज याद होगा आपको तो तो गुड्स और सर्विस दोनों नोटिफाइड हो गए ओके okay, तो यस गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस फॉर द पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस थर्ड इन के सप्लायर एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड एग्जामेशन इज रिवर्स चार्ज अपलीकेबल ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये मैं आपको समझाऊंगा ओके okay, ये मैंने बताया हुआ है पर अभी वापस से समझोगा मतलब क्या वैसे आप आंसर बता सकते हो सप्लायर जो है सप्लायर थ्रेशोल्ड में ओके okay, और रिसिपियन रिसिपियन सुनिए ध्यान से ओके सप्लायर थ्रेशोल्ड में और रिसिपियन अब ये जो ऑफ गुड्स कर रहा है या सर्विस कर रहा है सर्विस में वो जीटीए सर्विस दे रहा है ओके okay, वो जीटीए सर्विस दे रहा है या फिर वो लीगल एडवोकेट सर्विस दे रहा है वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है जो भी है रिवर चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स ये देगा नाइन थ्री का रिवर चार्ज है अब मुझे ये बताओ यहां पे आप बताना सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो क्या रिवर चार्ज नहीं लगेगा अगर आपका आंसर होगा नहीं लगेगा तो एन टाइप करो और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी रिवर चार्ज लगेगा तो एल टाइप करो मुझे बताओ सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी क्या रिवर चार्ज नहीं लगेगा रिवर चार्ज लगेगा बेटा मैंने आपको यह समझाया कि सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है हाँ वो रजिस्टर्ड है तो टैक्स देगा हम टैक्स देंगे अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवाइज बनेगा याद करो याद करो सेल्फ इनवाइज बनेगा ओके okay, मैंने पढ़ा है यार आपको वो डायग्राम भूल गए क्या आपने डायग्राम बनाई हुई है ओके okay, तो हमने ये भी देखा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हम सेल्फ इनवाइज बना के टैक्स देंगे पर

बड़ा टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन है ओके okay, ये सबको समझा क्या बोलिए यस yes और नो no? बोलिए जोर से नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विस्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे हैड अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट पूजा फॉर रिप्रेजेंटिंग कंपनी लीगल मैटर एट दिल्ली वी स्मार्ट एक बिजनेस एंटिटी है और उसने अपॉइंट किया सीनियर एडवोकेट को लीगल मैटर पे जो एडवोकेट दिल्ली का है डिटरमाइन इज लायबल टू पे जीएसटी। वुड योर आंसर डिफर इफ वी स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंट लोकल एडवोकेट मिस्टर सागर फॉर फर्दर हु फर्दर अपॉइंट मिस पूजा फॉर रिप्रेजेंटेशन पहले तो ये बताओ हमने लीगल सर्विस क्या देखा था हमने लीगल सर्विस के बारे में ये टेबल देखा था जो रिवाइज कर देता हूं अगर सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट 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 सीनियर या ऑफ प्रोवाइड करता है और वो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है और वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो रिवर्स चार्ज इसमें का एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज मतलब वो एडवोकेट नहीं होगा सीए ए होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज या फिर लीगल सर्विस के अलावा दूसरी सर्विस दे रहा है एडवोकेट तो फॉरवर्ड चार्ज या रिसिपियन बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज इन सिंपल वर्ड यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाली मिस पूजा है ओके मिस पूजा है और वो लीगल सर्विस है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और वी स्मार्ट टैक्स देगा और अगर वी स्मार्ट ने लोकल एडवोकेट से भी लिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ओके क्यों क्योंकि लोकल एडवोकेट भी इंडिविजुअल एडवोकेट है वो आगे किसी से भी सर्विस ले पर लोकल एडवोकेट भी इंडिविजुअल एडवोकेट है ओके तो वो केस में भी यहाँ पे रिवर्स चार्ज वी स्मार्ट पे आएगा लिखना कैसे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से लिया आपकी तभी तो मैं ले लेता हूं एज पर सेक्शन नाइन थ्री इफ लीगल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी जीएसटी पेबल अंडर रिवर चार्ज बाय रिसल सर्विस इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन सर्विस अंडर लीगल मैटर क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन सर्विस भी आएगा सर ये लिखना क्या रिप्रेजेंटेशन सर्विस लीगल सर्विस में आता है जरूर लिखो क्योंकि प्रॉब्लम में उसका रेफरेंस है तो लिखो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है डिसीजन इन गिवन केस पूजा सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस टू बिजनेस एंटिटी इन पुणे टैक्सेबल टेरिटरी वी स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड इज टू पे जीएसटी क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर ये लोकल से लिया बिल्कुल चेंज नहीं होगा लोकल वाले से भी लिया तो भी वी स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ही उसका टैक्स पे करेगा ओके okay, क्यों ना वो सागर से लिया ओके okay, सागर यहां पे करेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंडर जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल बाय रिसपियंट ऑफ सर्विस स्टेट द एक्सेप्शन टू अब स्टेटमेंट यह सवाल सीए इंटर में 22 में पूछा गया था ओके सवाल क्या देखो इसके एक्सेप्शन बताओ चलो थोड़ा पढ़ते हैं अगर आपको यह चार्ट याद होगा नहीं होगा तो रिविजन कर लो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी दो एंट्री थी, एंट्री थी एंड चलो मैं रिवाइज कर देता हूं रिवीजन भी हो जाएगी हमारा क्वेश्चन डिस्कशन भी हो जाएगा और आंसर कैसे लिखना चाहिए यह भी समझ जाएगा चार्ट पर से ओके okay, ये भी समझो कि बहुत सी बार चार्ट जब याद आते हैं तो हमें चार्ट से कैसे लिखना चाहिए अगर आपको यह पढ़ते आ रहा है चार्ट तो ऑल सर्विसेस जिसको यह क्लिक हो गया एक्सेप्शन बोला okay, exception आपके सामने आ गया एक्सेप्शन आ गया अब मैंने क्या बोला आपको कोई भी सर्विस बिजनेस एनटिटी को दिया इन टैक्सेबल टेरिटरी तो वो सिचुएशन में यहां पर रिवर चार्ज है इसका एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन ये है अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने सर्विस दिया इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इन साइड आउटसाइड द पोर्ट पहले पोस्ट सर्विस थी पर अब नहीं है वो निकाल दी गई और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर आई रिपीट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर ये सर्विस दी और ये किसी को भी दिया तो भी रिवर्स चार्ज नहीं ये फॉरवर्ड चार्ज है इन शॉर्ट ओके ये जो है यहां ये एक्सेप्शन है जहां फॉरवर्ड चार्ज लगता है और होगा तो लगता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड को दिया तो वहाँ पे पढ़ने से कुछ नहीं होता है आपके हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस लिखने वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे लिखना है तो आपको रिवर्स चार्ज के तीन एक्सेप्शन है वन टू और ये थ्री अनरजिस्टर्ड को रेंटिंग दिया तो ये फॉरवर्ड चार्ज में है ओके okay, तो ऐसे केस में जो ये तीन एक्सेप्शन लिखेगा उसको मार्क्स आपसे आप क्या हुई इंस्टीट्यूट so, की कमेंट है इसके ऊपर लिखा बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इन टेरिटरी देन रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल अरे नालायक वो तो उन्होंने दिया पूछा क्या है उसके एक्सेप्शन बता एक्सेप्शन मतलब क्या फॉरवर्ड चार्ज में क्या आता है वो बता ओके okay, तो फॉरवर्ड चार्ज में देखो उसके एक्सेप्शन है okay, दूसरा वेसल और एक इन साइड द आउटसाइड द पोर्ट और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर ओके जिसको ये क्लिक आपने पढ़ाई अच्छी की है बेटा हर सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते हो बस आप एक ही गलती करते हो अब ये टाइम पास करते हो और बाद में आप ना एक क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस ही नहीं करते हो इसलिए आपको ये कोर्स टफ हो जाता है आपने ये कोर्स से जाता तो इलेवन ट्वेल्थ में प्रैक्टिस की होगी जिसने साइंस लिया या कॉमर्स लिया उसने तो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होगी कितनी सारी टेस्ट दी होगी इसमें आप कुछ करते ही नहीं हो

लेकिन वो तीन घंटे बड़े क्रुशियल है और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों भी इन्वॉल्व होता है आई होप आप समझे हो बॉस ठीक है ये भी आपके आरटीपी में ट्वेंटी वन में और तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन

यहां पे सेम समझा पर कैसे स्टार्ट करना चाहिए कैसे प्रेजेंट करना चाहिए जिसको पैरा थ्री दिमाग में आया होगा और ये एग्जाम नहीं गलती से भी शेड्यूल को एग्जाम मत बोलना ओके शेड्यूल थ्री नॉन सप्लाई एग्जाम अलग होते हैं ये सप्लाई ही नहीं है ठीक है इसको एग्जाम मत बोलना तो पैरा वन ऑफ शेड्यूल थ्री सर्विस बाय बायप्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आर नॉन सप्लाई ओके आर नॉन सप्लाईज एंड दे आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन थ्री कहता है कि डायरेक्टर ने अगर कंपनी को सर्विस दिया तो उसके इसमें कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा डिस्कशन पहले पहले का आंसर हम देख रहे हैं मिस्टर प्रियम बींग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है दूसरा रेमुनरेशन पेड टू देम एज अ अंसिड्रेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल थ्री जो उसको रेमोनेशन दिया गया वो एम्प्लॉय नहीं है इसलिए शेड्यूल थ्री में नहीं आता है एंड देर फॉर आर टैक्सीबल यही तो सवाल उन्होंने पूछा था पहले हमें बताओ कि जीएसटी आता है नहीं आता है और इसलिए शेड्यूल थ्री की जरूरत है यहां पर शेड्यूल थ्री की जरूरत है यहां पर क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा तो बाद में फॉरवर्ड या रिवर्स पहले तो यह बता नालायक जीएसटी आएगा क्या तो हमने शेड्यूल थ्री में कहा कि वो एम्प्लॉय नहीं है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ शेड्यूल थ्री है मतलब जीएसटी आएगा और जीएसटी आएगा और यहां पर सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी पे करेगी जीएसटी पे करेगी बट अब आप ही बताओ क्या हमें क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है लिख कर देखना जरूरी है मैं तो आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं रेगुलर क्लास में प्रेजेंटेशन पे पर अब आप समझोगे कि प्रेजेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना रिवीजन करना चार्ट करना वो तो ठीक है पर ये जब तक टच नहीं होगा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे ओके okay, आया क्लियरली समझ में यस और नो चलिए दूसरा आरटीपी का क्वेश्चन देखिए और मैं आपको गारंटेड कहता हूं ना बॉस किसी से भी कंपेयर करना आपने मेरे क्लास के बाद हम जो लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहा है नो डाउट ओके क्वेश्चन तो इजी लग रहा है लेकिन आपका जो लिखने का प्रैक्टिस है ना जो इंटरप्रिटेशन लेवल है ना प्रेजेंटेशन लेवल है ना सुपअप कर दूंगा बॉस आपकी बस मेरे मुझे सिर्फ एक साथ और देना कि जो मैं लिख के कहूं एटलीस्ट वो तो भी लिख के देख लेना तो हमने क्लास के क्वेश्चंस देख लिए प्लस जो मैंने लिख के कह रहा हूं वो देख लिए बॉस आपको जीएसटी इस बार अब आपको 80% परसेंट लेके जाएगा ठीक है चलिए दूसरा क्या बोलते हो देखो मिस प्रियम दोनों इंडिपेंडेंट से, से दूसरी कोई कनेक्टेड नहीं है, है उन्होंने एम्प्लॉय खुद कहा दिया है उसके बाद में आउट ऑफ टोटल रेमुनरेशन अमाउंटिंग टू रुपीजन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज सिक्सटी थाउजेंड हैज बीन डिक्लेयर एज अ सैलरी टोटल एक लाख पच्चीस हजार उसमें से साठ हजार सैलरी डिक्लेयर हुआ है इन द बुक्स ऑफ सनमोन लिमिटेड जिसका टी डी एस वन नाइनटी टू में दे दिया उन्होंने अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू वन नाइनटी टू इनकम टैक्स एक्ट में टी डी एस कटा हुआ है मतलब वो सैलरी है और सिक्सटी फाइव थाउजेंड का टी डी एस सेक्शन वन नाइनटी फोर जे में कटा है मतलब वो सैलरी नहीं है वो प्रोफेशनल फीस है आ गया तो फिर सिंपल आंसर है हमारा सिक्सटी थाउजेंड पर जीएसटी नहीं आएगा ये शेड्यूल थ्री में आ जाएगा और सिक्सटी फाइव थाउजेंड पे जीएसटी आएगा क्योंकि उसको वन नाइनटी फोर जे में टी डी एस कटा हुआ है ओके okay, तो पर लिखना कैसे लिखना मैंने आपको समझाया बॉस कैसे लिखना है आपको तो पहले लीगल प्रोविजन नाइन थ्री क्या कहते हैं कि यहां पे ओके ये कहता है कि, okay, कि डायरेक्टर ने अगर कंपनी को सर्विस दी तो लायबल रिवर चार्ज है उसके बाद में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या है सीबीआईसी CB, क्लैरिफिकेशन था कि रेम्यूनेशन अगर वन नाइनटी फोर वन नाइनटी टू में डिडक्ट होगा तो वो वो एम्प्लॉय माना जाएगा पार्ट वन ऑफ शेड्यूल वन पैरा वन ऑफ शेड्यूल थ्री का पार्ट माना जाएगा और वो नॉन टैक्सेबल होगा ओके नॉन टैक्सेबल होगा लेकिन लेकिन अगर आपका डायरेक्टर रेगुलेशन वन नाइनटी फोर जे में डिडक्ट हुआ होगा तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल थ्री होगा और वो टैक्सेबल होगा हाँ ये लिख के जरूर देखना क्योंकि यहां लिखने की प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसलिए गिवन केस में सिक्सटी थाउजेंड पे सैलरी नहीं आएगा परिक्सटी फाइव थाउजेंड पे जीएसटी आएगा ओके okay, और वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड पे कंपनी जीएसटी देगी तो रिसीपियन इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर योर चार्ज ओके टैक्स तो ये स्टेप बाय स्टेप ओके अब सर ये दो बार लीगल प्रोविजन क्यों लिखे ओके okay, यहां पे भी लिख दिया यहां पे भी लिख दिया तो क्या डबल नहीं हो जाता है ठीक है ना आप कॉमन भी कर सकते अच्छा मतलब ये भी पॉइंट अच्छा है कि आप कॉमन कर दो नाइन थ्री एक ही बार लिखो क्लैरिफिकेशन दे दो और बाद में वन और टू सॉल्व करो इसमें आपने और टाइम बचा लिया ओके okay, एक ही बार लिख के एक ही बार लिख के आप मजा आ जाएगा आपको चलिए चलिए तो कुछ क्वेश्चन हमने आर के देखे आई होप मेरे ये डिस्कशन आपको हेल्प कर रहा होगा मजा आ रहा होगा और हम अच्छे से ये सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा बॉस मेरे तरफ से मैंने चार्ट्स बनाए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हम तो अब बिग चार्ट्स भी बनाएंगे ओके फॉर बेटर रिटेंशन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे लिए मैं आर क्वेश्चन ले रहा हूँ टेस्ट पेपर क्वेश्चन ले रहा हूँ ओके okay, और मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन आई सी ले रहा हूं अब क्या बचा है अब आपकी मेहनत बची है तो बस अब आप आप जो है आप अच्छे से करो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप टैक्स में इस बार अस्सी पार उससे कम नहीं और बेटा आपको मेरे सेशन अच्छे लगे होंगे तो फैला दो अगर आपको लगता है कि ये सेशंस के बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप रेफर करो क्योंकि मैं 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 यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जीएसटी का फ़ायदा मैक्सिमम स्टूडेंट को पहुँचाना चाहता हूँ साथ साथ में मेरा क्लास तो बढ़ ही रहा है ओके लेकिन आप आप मेरी असेट हो ओके और ये असेट आगे स्टूडेंट को बता सकती है थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू